वाई आर मैन्योर एंड फर्टिलाइजर यूज इन फील्ड? तो मैन्योर होता है खाद और फर्टिलाइजर होते हैं उर्वरक, ये क्यों यूज किए जाते हैं खेत में? तो यही क्वेश्चन है। तो देखें, तो मैन्योर और फर्टिलाइजर में डिफरेंस, हम एक क्वेश्चन पहले ही कर चुके हैं कि आयन में डिफरेंस होता है। तो मैन्योर क्या है, फर्टिलाइजर क्या है, तो अगर इन दोनों का आपको डिफरेंस जानना है तो वो वाला क्वेश्चन आप देख लें। तो उस क्वेश्चन में जो है मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर दोनों को हम खेत में यूज करते हैं क्योंकि खेत को कुछ न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है। फील्ड को क्या जरूरत होती है, कुछ न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, पोषक तत्वों की। अब उसमें जो खाद है, जो हमारा मैन्योर है, ये एक तरह से नेचुरल होता है, ठीक है, गोबर वगैरह से हम तैयार करते हैं। तो जो एनिमल वेस्ट होता है उससे हम इसको प्रिपेयर करते हैं, किससे करते हैं, एनिमल वेस्ट से। तो एनिमल वेस्ट से इसको तैयार किया जाता है, या फिर हम इसको तैयार किससे कर सकते हैं, जो हमारे पास पील ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, पील ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, सब्जियों और फलों के छिलके से, और एग्रीकल्चर और एनिमल वेस्ट से या प्लांट वेस्ट से, ठीक है, पौधे की पत्तियां वगैरह से। तो इनसे जो तैयार होती है खाद वो है मैन्योर। अब ये कैसी है, ये ऑर्गेनिक मैटर है ना, ऑर्गेनिक खाद है आपकी। आजकल इस पे बड़ा जोर दिया जाता है कि आपको ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करना है, तो ये ऑर्गेनिक मैटर है। तो इससे जो है खेत को न्यूट्रिएंट मिल जाएंगे और ऑर्गेनिक मैटर प्राप्त हो जाएगा, इससे हमारे जो खेत की जो उत्पादकता है यानी फर्टिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाएगी, और जो मिट्टी का जो स्ट्रक्चर है, जो टेक्सचर है, तो मिट्टी का टेक्सचर भी जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक। अच्छा, इसका कोई हार्मफुल इफेक्ट भी नहीं होगा क्योंकि ये नेचुरल है। अब फर्टिलाइजर जो है ये केमिकल है। फर्टिलाइजर क्या है, ये केमिकल है जो कंपनियों में तैयार किए जाते हैं, ठीक है। तो उर्वरक हम इनको कहते हैं, ये केमिकल में जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ठीक है, एनपीके, तो और भी बहुत सारी खाद दी जाती हैं। तो उर्वरक जो है ये, इनसे भी जो है प्लांट की हेल्दी ग्रोथ होती है, प्लांट का डेवलपमेंट होता है, और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम इत्यादि जो है वो दिए जाते हैं। तो इससे जो है हम एक उच्च उत्पादकता तो प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना करके और जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है वही वाली खाद या वही वाला उर्वरक जो है वो प्लांट को दे देते हैं, तो प्लांट जो है वो तेजी से ग्रो कर जाते हैं। पर इसका लॉन्ग टर्म में क्या है, नुकसान होता है। किसको नुकसान होता है, इसको थोड़े समय के लिए तो मिट्टी की जो है फर्टिलिटी बढ़ जाती है, बट उसके बाद जो है मिट्टी की फर्टिलिटी कम होने लग जाती है, खत्म हो जाती है। साथ ही ये केमिकल जो है वाटर के साथ जो है मिलकर के जमीन के अंदर चले जाते हैं और ग्राउंड वाटर को भी पॉल्यूट कर देते हैं। साथ ही इस तरह के जो फर्टिलाइजर यूज किए जाते हैं फसलों के साथ, तो ये इन फसलों को फिर कंज्यूम करने से ये सारे केमिकल्स जो है वो हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं, जिससे हमें, हमारी बॉडी को कई तरह के नुकसान होते हैं, भयानक बीमारियां हो सकती हैं। तो इसीलिए जो है फर्टिलाइजर के यूज को जो है वो कम से कम किया जाने के लिए कहा जाता है कि फर्टिलाइजर का यूज कम करें और जो मैन्योर है, जो नेचुरल खाद है, उसका प्रयोग ज्यादा किया जाए, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम किया जाए, क्योंकि इसके हानिकारक प्रभाव काफी देखे जा रहे हैं। तो इस बात को हमने बहुत डिटेल में पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, यहाँ भी मैंने बता दिया, तो आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। आप दोनों क्वेश्चन देख लेंगे तो इसके बारे में आप अच्छे से जो है समझ जाएंगे।